हेलो दोस्तों, आपका एसडी टेक में स्वागत है। अभी देखो, आज आप लोग का जो क्लास 9 चैप्टर 3 पॉलीनोमियल्स प्रैक्टिस सेट 3.1 चालू था, आज उसका प्रैक्टिस सेट 3.1 का सेकंड लेक्चर है, जिसमें आपका पूरा प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल्स। बस हम लोग को एकदम सिंपल सा जो क्वेश्चन दिया उसको हमको बताना है कौन सा हमारा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है एंड कौन सा क्यूबिक है। तो अभी देखो, इसमें हम लोग को क्या करना है। तो मैं फर्स्ट लेक्चर जब आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था, तो अभी इसमें देखो, तो 2x² + 3x + 1 हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या है 2x² + 3x + 1। तो ये हमारा कैसे है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। आप बोलोगे सर कैसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स हुआ, तो मींस क्या हमारे जो है डिग्री है ना, हम लोग को अगर कोई लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पूछता है तो हम लोग कैसे पहचानते, जो एक क्वेश्चन है तो उसका डिग्री देखने का। तो इसका डिग्री कितना है, सबसे बड़ा 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। अभी इसे सेकंड वाले में देखो 5 पे लिखा है, तो एक इसे लीनियर पॉलीनोमियल, जिसका डिग्री सबसे बड़ा कितना होगा, 1 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलीनोमियल। कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको यही देखना, अगर जिसका डिग्री कितना रहेगा 2 रहेगा सबसे बड़ा, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा। अगर जिसका हम लोग का डिग्री 1 रहेगा, मीन्स यहाँ देखो वेरिएबल p है, इसका डिग्री कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इससे हमारा क्या होगा, लीनियर पॉलीनोमियल। अब इसे थर्ड वाला क्या है, m का क्यूब प्लस 7m² + 5m / 2m - √7 दिया। इसमें देखो कि सबसे बड़ा पावर कितना है, 3 है, डिग्री कितना है, 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलीनोमियल। ये 3 पॉलीनोमियल्स है जो हमारा क्वाड्रेटिक, लीनियर एंड क्यूबिक, तीनों आपको क्लियर समझ में आ गया रहेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को क्या बोला, राइट द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। हम लोगों को कौन से फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड, एकदम सिंपल सा, जो भी क्वेश्चन दिया खाली आपको डिग्री देख के लिख देना है। तो देखो, m का क्यूब प्लस 3 प्लस m 5m दिया है, तो सबसे बड़ा डिग्री कहाँ है, तो m का क्यूब है वो लिख दिया, प्लस उसके बाद क्या 5m है लिख दिया, फिर लास्ट में नंबर, एकदम कंप्लीट होगा। अभी सेकंड वाला देखो क्या है, -7y + 5y^5 है, प्लस 3y³ - 1/2 + 2y^4 है, -y² यही दिया है। तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, मीन्स क्या है, डिग्री देखना है, और सबसे बड़ा डिग्री कितना है, देखोगे 5 है 5 को लिख दिया, उसके बाद कितना है 4 है तो 4 को लिख दिया, फिर 3 है 3 लिख दिया, फिर स्क्वायर था स्क्वायर लिख दिया, फिर वेरिएबल था वेरिएबल लिख दिया, लास्ट में नंबर, पूरा कंप्लीट होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ नहीं करना रहता, खाली डिग्री देखना, सबसे बड़ा, उससे छोटा ऐसा लिख देना, लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, नंबर आ जाता है, ये भी होगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है, तो क्या बोला, राइट द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स इन द कोएफिशिएंट फॉर्म। हम लोग को क्या लिखना है, कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है। तो देखो, इधर क्वेश्चन हम लोग का फर्स्ट है, एक्स का क्यूब -2 दिया है, तो अभी कोएफिशिएंट फॉर्म लिखने से पहले जो इसमें मिसिंग टर्म्स है, मींस हम लोग बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको बनाना पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर रहेगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको इंडेक्स फॉर्म में बनाएंगे, इंडेक्स फॉर्म करने के बाद ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट फॉर्म। तो देखो, आप देखोगे तो आपको क्या दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, तो उसके बाद हम लोग क्या इंडेक्स फॉर्म कैसे बनाते हैं, कि उसके बीच के जो मिसिंग टर्म्स रहता है, क्यूब के बाद हमारा क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, फिर हमारा नंबर वेरिएबल आएगा, फिर हमारा लास्ट में नंबर आएगा, जैसे अभी यहां पर किए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। अब इंडेक्स फॉर्म में देखो, x का क्यूब है, इसके बाद क्या आएगा, 0x², ये 0 क्यों लेता है, इसको मैं प्रीवियस लेक्चर में एकदम क्लियर आपको बताया था, क्योंकि हमारा कोई भी चीज में अगर ऐसा लेट करने के बाद हमारा इक्वेशन चेंज ना हो, क्योंकि 0 का x में इंटू कर दोगे 0 आ जाएगा, और प्लस करोगे तो कोई को चेंज ही नहीं होगा, फिर उसके बाद 0x - 2 क्लियर, खाली आपको ये दोनों लेट करना, क्योंकि क्यूब के बाद स्क्वायर, स्क्वायर का वेरिएबल, फिर लास्ट में नंबर आता है। करने के बाद कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है, जो हमारा वेरिएबल है उसके आगे का नंबर, मींस इसके आगे कितना है, कुछ नहीं तो मींस 1, इसके आगे 0, इसके आगे 0, यहाँ पर -2, कंप्लीट हो गया। इसे सेकंड वाला 5y दिया है, तो अब वेरिएबल तो है बट उसके बाद क्या रहना चाहिए, नंबर, तो +0 कर दिया, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा इसका, 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। थर्ड वाला देखो, 2m^4 - 3m² + 7 दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है 4 और 2 है, बट हमारा जो इंडेक्स फॉर्म में नहीं है, तो इंडेक्स फॉर्म में कैसे बनाएंगे, 2m^4 दिया, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 के बाद क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो 0m^3, हमेशा हम लोग 0 ही लेंगे, और जो वेरिएबल यूज हुआ रहता है वे वेरिएबल लेने का, 4 के बाद 3 हो गया, अब 2 तो दिया था लिख दिया, अब 2 के बाद हमारा एक वेरिएबल आना चाहिए, 0m ले लिया, बाद में हमारा नंबर था लिख दिया। कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है,
टू हो गया हमारा, जीरो हो गया, माइनस थ्री हो गया, जीरो हो गया एंड सेवन हो गया, कंप्लीट हो गया। इसे हमारा लास्ट वाला क्या दिया, फोर्थ वाला माइनस टू अपॉन थ्री। अब बोलोगे सर इसमें वेरिएबल या कुछ बनाए नहीं, क्योंकि ये देखो लास्ट में हमारा नंबर होता, खाली नंबर दिया, कोई वेरिएबल नहीं है, तो हमारा कोफिशियंट होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो था सेवन तक वे भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर एट में देखो क्या दिया, राइट द पॉलिनोमियल्स इन इंडेक्स फॉर्म में। हम लोग को किस फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स फॉर्म में। तो हम लोग को दिया है, क्या दिया हमारा कोफिशियंट फॉर्म दिया है, हमको इंडेक्स फॉर्म में बनाना है। तो भी कैसे बनाएंगे, तो एकदम सिंपल सा देखो, सबसे पहले क्या पीछे हमारा क्या चाहिए, नंबर चाहिए, नंबर लिख दो। उसके बाद आपको जो वेरिएबल यूज करना आप कर सकते हो। तो उसके बाद हमारा क्या रहता है, जो नंबर है उसके साथ में वेरिएबल, तो मैं ले लिया 2x। उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद हमारा वेरिएबल के पहले क्या रहता है, स्क्वायर में रहता है, तो स्क्वायर लिख दिया, बस नॉर्मल कंप्लीट। अगर इसका कोएफिशिएंट निकालोगे तो कितना आएगा, इसका 1, 8, 2, 3 यही आ गया, यही हमारा इंडेक्स फॉर्म हो गया। अभी हम लोग को कोएफिशिएंट दिया, इंडेक्स फॉर्म बनाना है। ध्यान से देखो ये वाला बताया, अभी सबसे पहले हम लोग का क्या होता है, नंबर होता है लिख दिया, उसके पहले क्या होता है हमारा वेरिएबल, वेरिएबल लिख दिया x। आपको जो वेरिएबल लेट करना आप कुछ भी कर सकते हो, मैं x लेट कर लिया। अब उसके आगे क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया, कोई नंबर तो चाहिए। अब उसके बाद हमारा देखो सब प्लस में, तो प्लस लगा। अब वेरिएबल है उसके पहले हमारा स्क्वायर रहता है, स्क्वायर में लिख दिया और जीरो ले लिया। अब उसके पहले हमारा क्या होता है क्यूब में, क्योंकि देखो तीनों जीरो दिया कर लिया। उसके बाद हमारा क्या आएगा 5x का 4 में, क्योंकि हमारा क्या 5x है तो आया, लेकिन अब 3 के बाद कितना था 4। अभी अगर आप डायरेक्ट चाहो तो 5x पावर में 4 और माइनस 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि 0 तो हम लोग क्या करते हैं इंडेक्स फॉर्म बनाने के लिए लिखते हैं। क्वेश्चन में दिया आप इसको भी लिख सकते हो डायरेक्ट भी। एंड इसी हिसाब से आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें आपको देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स दो टाइप से मैं बताया था, एक तो नंबर ऑफ बेस के टर्म्स के ऊपर था, एक बेस्ड ऑन डिग्री पे था। तो दोनों में आपको ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको पूछा कुछ दिया, क्वेश्चन दिया, आपको बस बताना है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, और मोनोमियल्स, बायनोमियल्स एंड ट्रायनोमियल्स, वही खाली डिटेल में आपको बताना है। तो आपका होमवर्क में रहेगा और आज हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट 3.1 होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का जो भी प्रैक्टिस सेट रहेगा उसको लाऊंगा। तो इसको आज के लिए इतना ही कर लीजिए।